चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नॉइज़। क्लियर, नॉइज़ क्या होती है हम समझते हैं। हमारे पास में ये एक ट्रांसमीटर प्रेजेंट है, क्लियर, और ये रहा उसका एंटेना, ये रहा हमारे पास में एक रिसीवर, और ये रहा रिसीवर का एंटेना, क्लियर। ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट होगा और रिसीवर तक ये पहुँचेगा, क्लियर। ऐसा कोई भी एनर्जी सिग्नल, क्लियर, जो कि हमारे प्रॉपर रिसेप्शन, क्लियर, रिसेप्शन एंड रिप्रोडक्शन दोनों को या दोनों में से किसी एक को इफेक्ट करे, उस सिग्नल को हम बोलते हैं नॉइस, क्लियर। जो कि सिग्नल की या तो प्रॉपर रिसेप्शन में प्रॉब्लम दे, या फिर अगर आपने रिसीव कर लिया है तो सेकंड स्टेप है कि रिसीवर के अंदर ऐसी कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए जो उसके रिप्रोडक्शन में रुकावट दे, क्लियर। तो आपका नॉइज़ एक ऐसा सिग्नल है जो कि आपके आपके एक्चुअल मैसेज सिग्नल के रिसेप्शन और रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं नॉइज़, क्लियर। नॉइज़ बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइंड होती है। एक होती है आपकी एक्सटर्नल नॉइज, क्लियर, दूसरी होती है आपकी इंटरनल नॉइज, क्लियर। एक्सटर्नल नॉइज जो है वो बेसिकली मैनमेड थिंग्स की वजह से आ सकती है, एटमॉस्फेयर की वजह से आ सकती है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटीज की वजह से आ सकती है, क्लियर। तो इस एक्सटर्नल नॉइज पे अभी हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे क्योंकि इन चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है इंटरनल नॉइज। जैसे तैसे सिग्नल रिसीव तो हो गया है, पर अब बारी है उसके रिप्रोडक्शन की, क्लियर। तो रिसीवर पर ऐसी कौन कौन सी नॉइज जो कि इनहेरेंट है रिसीवर के अंदर, जो कि इस सिग्नल को डिस्ट्रॉय कर सकती है, उन नॉइज के बारे में हमारा डिस्कशन होगा, क्लियर। तो इंटरनल नॉइज में सबसे पहली कैटेगरी आती है थर्मल नॉइज की, क्लियर। चलिए, थर्मल नॉइज, थर्मल नॉइज क्या होती है इसको हम अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में एक कंडक्टिंग मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो होते रहते हैं, है ना। अभी मैंने बैटरी अप्लाई नहीं करी है, फिर भी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और उनका रैंडम मोशन होगा, अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, पर क्या है, मोशन कैसा है, रैंडम मोशन है, क्लियर। क्यों होता है रैंडम मोशन, इस कंडक्टर को मैंने रूम टेम्परेचर पर रख रखा है, क्लियर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना, वैसे वैसे इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती जाएगी, और जैसे जैसे एनर्जी मिलती जाएगी ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग मीडियम के अंदर रैंडम मोशन करेंगे। इस रैंडम मोशन की वजह से सिस्टम में एक नॉइज जनरेट होती है, उस नॉइज को हम बोलते हैं थर्मल नॉइज और वाइट नॉइज। फिर थर्मल नॉइज और वाइट नॉइज, है ना। चलिए, इसके बारे में और हम आगे डिस्कशन करते हैं, क्या होती है थर्मल नॉइज, तो हमने समझ लिया इसको वाइट नॉइज क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। चलिए, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बात करूं, मेरा कोई भी एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ रहा है ना, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ रहा है, क्लियर, दोनों इस रेजिस्टर के ऊपर आए, है ना। पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस रेजिस्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं क्या, नहीं। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्लियर। तो पॉइंट नंबर वन में यहाँ से कंक्लूड करना चाहता हूँ, जो भी रेजिस्टर के अंदर नॉइज पावर होगी, है ना, मैं नॉइज पावर को पी से डिनोट कर रहा हूँ, रेजिस्टर के अंदर जो नॉइज पावर होगी वो बेसिकली डिपेंड करेगी कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर सेकेंड, भले ही लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो चाहे हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो, ये जो भी नॉइज जनरेट करेगी ये पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करेगी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी से क्या है,
इंडिपेंडेंट है। अगर मेरा सिग्नल ऐसा है ना, ये रहा मेरा लो, ये फ्रीक्वेंसी अपर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर फ्रीक्वेंसी, तो मेरा सिग्नल ऐसा है तो नॉइज पूरे फ्रीक्वेंसी बैंड को इफेक्ट करेगी, और अगर मेरा सिग्नल ऐसा है तो भी मेरी नॉइज पूरे फ्रीक्वेंसी बैंड को इफेक्ट करेगी, है ना। कहने का मतलब है यहाँ पर बैंडविड्थ कम थी तो नॉइज भी कम थी, यहाँ पर बैंडविड्थ बढ़ गई तो नॉइज भी बढ़ गई। जितनी बड़ी बैंडविड्थ का सिग्नल आएगा नॉइज उतनी पूरी बैंडविड्थ में फैल जाएगी, क्लियर, क्योंकि उसको फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। इस बात में मैं सेकेंड पॉइंट कंक्लूड कर रहा हूँ कि जो नॉइज पावर होती है वो बैंडविड्थ के भी प्रपोर्शनल होती है, क्लियर। बैंडविड्थ ऑफ द इनकमिंग सिग्नल, जो भी इनकमिंग सिग्नल इसके ऊपर आ रहा है उसकी बैंडविड्थ के भी प्रपोर्शनल होगी, क्योंकि अगर बैंडविड्थ कम है तो नॉइज कम एरिया को इफेक्ट करेगी, और अगर ज़्यादा बैंडविड्थ का सिग्नल है तो नॉइज ज़्यादा आपके एरिया को इफेक्ट करेगी। इन दोनों की मदद से मैं एक थर्ड पॉइंट कंक्लूड कर सकता हूँ, जो नॉइज पावर है वो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू टी इंटू बी, वेर टी इज द टेम्परेचर एंड बी इज द बैंडविड्थ। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो एक कॉन्स्टेंट ऐड करना पड़ेगा, उस कॉन्स्टेंट को मैंने नाम दिया के, वेयर के इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। के इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, के को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, क्लियर। तो जो नॉइज पावर अब जो रेजिस्टर की वजह से या किसी भी कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होती है वो होती है के, आपका बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर, और जो भी इनकमिंग सिग्नल आ रहा है उसकी बैंडविड्थ के बराबर होती है, क्लियर। चलिए सेकेंड पॉइंट मुझे यहाँ पर डिस्कस करना था, इसको वाइट नॉइज क्यों कहा जाता है ना। चलिए वाइट नॉइज पे आते हैं। वाइट कलर के बारे में हमको पता है, जैसे वाइट कलर ऑलमोस्ट सारी कलर्स का कॉम्बिनेशन को हम मिला दें तो हमको जो कलर मिलता है वो वाइट कलर होता है, उसी तरीके से उसी को बेसिस बना के यहाँ पर इस नॉइज को वाइट नॉइज नाम दिया है, क्योंकि ये नॉइज जो है वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होती है ना। भले ही लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो, जीरो फ्रीक्वेंसी का, या बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो, ये नॉइज पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम पे एक जैसा इफेक्ट करती है, इसीलिए इस नॉइज को हम बोलते हैं वाइट नॉइज, क्लियर, क्योंकि सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ये कवर करती हुई चलती है, इस वजह से इसका नाम है वाइट नॉइज, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ करी है इसको हम बोलते हैं PSD। PSD का मतलब होता है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, क्लियर। क्या होती है, बड़ी टेक्निकल वर्ड कुछ भी नहीं है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का मतलब है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी की एक्सिस पर जब करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे नॉइज पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करा है मैंने फ्रीक्वेंसी की एक्सिस पे, तो उसको हमने बोलते हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ये फ्रीक्वेंसी पे वन साइडेड, इट इज़ वन साइडेड PSD, है ना, रिप्रेजेंट करने का तरीका है वन साइडेड। अगर मेरे को इसी पावर को दोनों तरफ शो करना है तो मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा, दिस इज डबल साइडेड PSD, N0/2, है ना। या तो पूरी की पावर एक तरफ ले लो, या उस पावर को आधा इधर और आधा इधर दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो ये दोनों ही फॉर्मेट चलते हैं आपका फ्रीक्वेंसी का, आपका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी की एक्सेस पर जब होता है तो उसको हम बोलते हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। थैंक यू।